बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो इतने दिन से मैं आपको कहे जा रही हूँ मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ जो आपको दिखाई नहीं दी? तो बेसिकली मेरी ज्वेलरी की जो है शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, जो मैं वेयर करने वाली हूँ। दुल्हन की तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी जो मैं वेयर करने वाली हूँ मैं वो आपको दिखाने जा रही हूँ। तीनों दिन के जो मैं सेट्स लेके आई हूँ और जो भी लेके आई हूँ मैं सब आपको दिखाऊँगी और आपको प्राइस भी मेंशन करूँगी। मुझे इतनी अच्छी ज्वेलरी और रिजनेबल प्राइस में मिल गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी ये हैदराबादी सेट। ये हैदराबादी सेट इतना खूबसूरत है और बहुत, यानी कि कोई ऐसा लोकल पन नहीं आ रहा, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो मैंने बेसिकली ये चौकर पहनने के लिए लिया है। तो मुझे एक्चुअली चौकर बहुत पसंद है और मेरी शरारे के साथ जाएगा, क्योंकि मैं अपनी शादी का शरारा पहन रही हूँ और उसके साथ मैं ये सेट लूँगी। अब मेरे पास सेट है मेरी शादी का, लेकिन वो थोड़ा बड़ा बड़ा था तो इस वजह से मैं वो वेयर नहीं करूँगी। थोड़ा रिसेंटपन भी अपना एक जगह होता है। तो ये टीका है इसका, क्योंकि देखें कितना खूबसूरत है, कितना नाजुक सा है। तो ये हैदराबादी सेट अभी ओल्ड फैशन हो गए हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, मुझे चाहिए था तो मैं लेके आ गई। और इसका ये इयररिंग है और ये सहारों के साथ नहीं है, इसका लॉन्ग सेट है। तो ये तो मैं वेयर नहीं करूँगी। हाँ, इसके इयररिंग, टीका और चौकर मैं वेयर कर सकती हूँ, हो सकता है मैं कुछ और भी लगा लूँ। तो जो भी डिसेंसी पे आएगा मैं वही वेयर करूँगी। तो ये मैं अपना शरारे के साथ का लेके आई हूँ शादी वाले रोज़ का। तो ये मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया और ये मैंने सारी ज्वेलरी ख़रीदी है तारिक सेंटर से। दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है माथा पट्टी बच्चियों की, तो मैं बच्चियों के लिए लेके आई हूँ। अब देखें पहनती हैं नहीं पहनती, क्योंकि आपको पता है बच्चों के कितने नखरे होते हैं ऐसी चीज़ पहनने में, वो क्लिप निकालने होते हैं, तो मेरे ये तो बहुत मुश्किल है। तो खैर मैं लेके तो आ गई हूँ। अच्छा, तीसरी जो है ये बहुत खूबसूरत है, ये है अगवानी इयररिंग और इतनी खूबसूरत हैं ये मैंने देखते ही पहली नज़र में कह दिया कि ये तो मुझे चाहिए। तो ये देखें कितनी खूबसूरत हैं और ये हर मेरे सूट पे चल जाएंगी और इसमें मल्टी कलर के सारे ये आ रहे हैं। तो ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी और ये मैंने कहा था जितने की भी मैं ले लूँगी बस। तो ये मैंने इयररिंग ले ली थी। ये अब देखें, हो सकता है ये मैं कौन से इवेंट में पहनूँ, आई डोंट नो। तो इसके बाद मैंने लिया था, अच्छा, एंटीक ज्वेलरी और ऐसी ज्वेलरी बहुत आई हुई हैं और यही मेरे ख्याल से अभी फ़ैशन में है ना। तो इसके बाद मैंने एक एंटीक सा सेट लिया था और ये सेट बहुत खूबसूरत है, बहुत एंटीक सा ही। मैंने ज्वेलरी पहले कभी भी नहीं देखी, आम ज्वेलरी नगों वाली है ये सब चीज़ें तो देख चुकी हूँ मैं, लेकिन ऐसी ज्वेलरी मैंने बहुत कम देखी हैं और मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी थी, होती होंगी पर मैं इतनी ज्वेलरी पे नहीं जाती इस वजह से। तो ये सिर्फ नेक पीस इतना खूबसूरत है इसका, इसके हालांकि इयररिंग भी है, टीका भी है। तो मैं तो सोच रही हूँ सिर्फ नेक पीस इसका पहनूंगी और लगाया तो टीका लगा लूँगी। वलीमे की मैं लेके आई हूँ, वलीमे का थोड़ा सा मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल रखा हुआ है, तो उसके साथ मुझे लग रहा है कि यही चलना चाहिए सिर्फ नेक का, और तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अब देखें क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, अभी तो बस ऐसे ही सोचा हुआ है, हो सकता है उस वक्त कुछ और पहन लें। देखिए टीका इसका कितना खूबसूरत है। और एक और चीज़ मैं बहुत मज़ेदार लाई हूँ, वो है नथ। वो वाली नहीं है जो गोल सी होती है, नथ मैं लेके आई हूँ एक नॉर्मल सी जो होती है, क्योंकि वो गोल सी तो वो दुल्हनों पर ही अच्छी लगती है, हम लोग लटकाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वाली नथ लेके आई हूँ मैं, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये नथ तो मैं हर चीज़ से लेके आई हूँ, मुझे वहाँ नहीं मिली थी। तो देखें मैं वेयर करती हूँ नहीं करती, लेके तो आ गई हूँ। तो अब देखें, और इसके बाद मैं जूड़े के जो क्लिप्स होते हैं, जूड़े के जो पिंस होती हैं वो लेके आई थी। तो ये ने गोल्ड और सिल्वर ले लिए थोड़े से। और देखें हेयर स्टाइल तो मैं पार्लर से ही बनवाने वाली हूँ, तो देखें क्योंकि मेकअप मुझे इतना सूट नहीं करता उसका, मैं खुद ही अच्छा कर लेती हूँ, मैं कहने का मकसद है। तो दूसरी चीज़ ये मैंने चेस से लिए हैं, ये ऐसे ही लिए हैं, इसका कोई वो नहीं है, ये इतने सारे यानी कि 100 पीस तो होंगे इसमें, और ये इतने अच्छे इयररिंग हैं ये, और इसके पीछे स्टॉपर्स दिए हुए सारे इसके पैकेट में थे, ये तो मेरी बच्ची ने सब ऐसे रेट लगा दी है। तो ये 100 रुपीज़ में बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया ये भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, डू सब्सक्राइब माई चैनल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।